प्रणिपात मित्र, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल पे, जिसके अंदर मैं मोस्टली बात करा करूँगा गेमिंग कम्युनिटी के बारे में। तो इसके अंदर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं इसे बात करूँगा टॉप न्यूज़, फ्री गेमिंग हैक्स, गेम्स के बारे में, उनके टिप्स के बारे में, ई स्पोर्ट्स की दुनिया में जो भी चल रहा होगा उसके बारे में, फेमस गेम के अपडेट्स के बारे में, उसके पैच नोट्स के बारे में, या फिर गेमिंग कंपोनेंट्स के बारे में, जो भी हार्डवेयर रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स आएंगे उनके बारे में, और जो भी नए गेम रिलीज होंगे, जिन गेम की डेट डिले हो जाएगी उनके बारे में, जो भी ओवरऑल गेम का स्टेटस रहेगा उसके बारे में, इसी के अलावा गेमिंग फैक्ट्स के बारे में, लाइक किस गेम ने कितना अर्न किया, कौन सा गेम गेम ऑफ द ईयर रहा, इन सभी चीज़ों के बारे में आप इस चैनल के थ्रू अपडेट रख सकते हैं। तो इसी के साथ आज की ट्रेंडिंग न्यूज़ पे चलते हैं, जिसपे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सारे गेमर्स के लिए। तो फोर्टनाइट का जो गेमिंग कंपनी है एपिक गेम्स, उन्होंने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया कि वो अपनी साइट पर GTA 5 की गिवअवेज करेंगे। इसका मतलब कि आप सभी जाकर वहाँ से फ्री में GTA 5 डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी ओरिजिनल ऑथेंटिक होगा पूरा, जिसमें आपको एडिशनली एक पैक भी मिलेगा। उस पैक का नाम होगा क्रिमिनल एंटरप्राइज स्टार्टर पैक। इसके अंदर आपको कुछ एक एडिशनल चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक कुछ एक पैक्स मिल जाएंगे, कुछ एडिशनली कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट चीज़ है और इस लॉकडाउन के अंदर आपके लिए काफ़ी बेहतर डील है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर ये गेम्स कहाँ से डाउनलोड करते हैं, ये सब कहाँ से करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है फिलहाल GTA 5 तो सभी पसंद करते हैं, तो आप चेक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फिलहाल हम चलते हैं गेमिंग कंपोनेंट्स की न्यूज़ की तरफ। तो रिसेंटली दो कंपनीज के बीच में रेस चल रही है कि कौन सबसे पहले 340 हर्ट्ज़ का मॉनिटर निकालता है। अभी से पहले जो था 240 हर्ट्ज़ का मॉनिटर, इन 240 हर्ट्ज़ का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि रिफ्रेश रेट, कोई भी अगर स्क्रीन पर कोई भी अपन एक्शन कोई लेते हैं कीबोर्ड या माउस से अपने इनपुट डिवाइस से, तो वो कितनी देर में जाकर रिफ्लेक्ट होता है स्क्रीन पे, प्लस उस जो अपने इनपुट को कितनी देर में रिफ्लेक्ट करके हमको आउटपुट दे देती है वो स्क्रीन। तो इसमें 360 हर्ट्ज़ का मतलब तो ऐसे मान लीजिए बहुत ही कमाल का हो गया रिस्पॉन्स टाइम, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाले ये चीज़ें, पर मेरे हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव होगा क्योंकि 240 हर्ट्ज़ के मॉनिटर ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। जिन लोगों को WWE की फ्रेंचाइजी आज तक पसंद आई है, WWE 2K19, 20 जितने भी आगे पिछले पार्ट रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है कि WWE 2K20 के बाद जो अगला 2K21 आने वाला था उन्होंने वो कैंसिल कर दिया है। 2K ने ऑफिशियली उनके ट्विटर अकाउंट पर बोला है कि अब नेक्स्ट ईयर जो 2K21 आने वाला है उसको पूरी तरह से उन्होंने कैंसिल कर दिया है। लास्ट ऑफ अस 2 उसकी रिलीज डेट फाइनल कर दी गई है, जो कि होगी 29 मई 2020। इसी के साथ में गोस्ट ऑफ सुशीमा, जो कि काफ़ी मोस्ट अवेटेड गेम्स में था, उसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई, जो कि 17 जुलाई 2020। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि PS5 कब तक आएगा और फिलहाल उसकी प्राइस अराउंड कितनी होगी, तो PS5 नियर अराउंड 50,000 रुपये के आसपास होना चाहिए, जिस हिसाब से उसकी गेमिंग कंपोनेंट की स्पेसिफिकेशन बताई गई है। बाकी इसके इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पर 60 से ऊपर नहीं होगा इतना मेरा विश्वास है, पर हाँ 50 के आसपास तो वो डिज़र्व करता है। और बात करें अगर उसके रिलीज़ की, तो PS5 जितना सोनी से हमको पता लग पाया है, तकरीबन ये अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 के, मतलब समर के बीच में कहीं ना कहीं पे डाल देंगे उस PS5 रिलीज़ के बारे में। तो जैसे ही वो पता लगेगा मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। तो हाल ही में PS5 ने खुद के कंसोल पे चलाए गए गेम का एक डेमो दिखाया, जिसका नाम था Unreal Engine 5, जो कि Unreal जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है उनकी तरफ से एक गेम था। तो उसमें उन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स के बारे में बात की जो कि इस गेम के अंदर दिखाई देंगे, लाइक कुछ एक मैं कुछ थोड़ा शॉर्ट में बताया हूँ। इसमें GI ग्राफिकल इंटरफेस के बारे में काफ़ी सारा बताया गया कि इसमें कैसे कैसे GI कितना हद तक यूज़ किया गया है इसमें, और कुछ एक ट्रायंगल पिक्सल्स के बारे में बात की कि ये कितने ज़्यादा इंपोर्ट किए गए हैं, कि लाइक एक छोटे से एरिया के अंदर भी कितने ट्रायंगल बिलियंस ऑफ पिक्सल्स इसमें इंपोर्ट किए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी न्यूज़ से हमेशा कनेक्टेड रहे, आपको पता रहे कि गेमिंग कम्युनिटी में फिलहाल लेटेस्ट क्या चल रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। बाय।